आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय स्तर पर इक्का दुक्का मांगे शामिल की गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेस के द्वारा 4 सितंबर को धरना दिया गया। इसमें किसानों की आर्थिक परेशानी और ओलावृष्टि से फसल नुकसानी की भरपाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। कुछ बिंदु थे जिन बिंदुओं पर इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बिजली की दरों में वृद्धि रोकने के लिए, खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के लिए, महिला बालिकाओं से दुराचार पर कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग का अत्याचार, इन पर अत्याचार तुरंत बंद किया जाए, लचर कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए, ये सारे एक शामिल शरीक पूरे प्रदेश स्तर के मुद्दे कहे जा सकते हैं। एक अकेला मुद्दा स्थानीय स्तर का जो दिख रहा था वो था जिले के युवाओं को सूखे नशे से बचाने के लिए कड़े उपाय किए जाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सिवनी में दलसागर, ऐतिहासिक दलसागर की दुरावस्था किसी से छिपी नहीं है। सिवनी से ब्रॉडगेज पर रेलगाड़ियां चल रही हैं, पर इन रेलगाड़ियों में नागपुर जबलपुर सीधे कनेक्टिविटी नहीं है। पैंच वैली सिवनी तक आती है पर छिंदवाड़ा से वापस लौट जाती है। सिवनी से अगर आपको भोपाल जाना तो नहीं जा सकते। पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा जब ढाल सिंह बिसेन यहाँ पर सांसद हुआ करते थे तब भी कांग्रेस को परहेज ही रहा स्थानीय मामलों को उठाने से, ऐसा प्रतीत होता है। कांग्रेस के द्वारा मॉडल रोड की जांच कराने की मांग की गई थी, जलावर्धन योजना की जांच कराने की मांग की गई थी। जैसे ही नगरपालिका परिषद में कांग्रेस की सरकार आई वैसे ही इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया। इस पूरे मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष इमरान पटेल दोनों की भूमिका पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हुए दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। किसानों के हित की बात है, मक्का धान इनके दरें बढ़नी चाहिए, निश्चित तौर पर बढ़नी चाहिए, पर सिवनी में जब किसानों से खरीदा गया अनाज सड़ता है तब कांग्रेस मौन धारित कर लेती है। कांग्रेस के द्वारा स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसदों की नीतियों का शायद ही कभी जमकर प्रतिकार किया गया हो। बहरहाल इन सारी नीतियों पर जो भी है हमने आपको बताया, इन बिंदुओं पर कांग्रेस के द्वारा बुधवार 4 सितंबर 2024 को धरना प्रदर्शन किया गया। आपको यहाँ हम बता दें कि लोकसभा में सिवनी बहुत लंबे समय से सिवनी का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के पास नहीं है। विधानसभा की अगर बात की जाए तो विधानसभा में रमेश जैन आखिरी विधायक कांग्रेस के हुआ करते थे जो 1980 तक रहे। उसके बाद 1980 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ काबिज है। कांग्रेस के नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जनता उनसे लगातार दूरी बना रही है। कहीं उनकी जो कार्यप्रणाली है वो जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।